एक अच्छे सिंगर और एक अच्छे परफॉर्मर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। भले ही एक अच्छा सिंगर कह लो, कथक डांसर कह लो, हारमोनियम प्लेयर कह लो या कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, उसमें और एक अच्छे परफॉर्मर में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आज इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस अनुसार, जो कुछ वर्ष हो गए हैं मुझे संगीत में, जिसमें मैंने कैसे प्रस्तुत करते हैं किसी भी चीज़ को, उस पर क्या सीखा है उसकी बात करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या नुआंसेज हैं जो एक परफॉर्मर में होते हैं, जो उसे एक अच्छा परफॉर्मर बनाता है, जब वो प्रस्तुत करे तो लोगों को भा जाए, वो क्या होती हैं बातें, वो क्या खास और कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, तो वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और जुड़े रहें संगीत प्रभावल के साथ। सुनी मैं हरि आवन की आवाज, सुनी मैं हरि आवन की आवाज। अभी अभी जो छोटा सा ट्रेलर आपने देखा, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस हमारा यूट्यूब चैनल है सेकंड संगीत प्रभा के अलावा, जहाँ कुछ अपनी प्रस्तुतियाँ हम अपलोड करते रहते हैं। वैसे तो हमारे संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल पर भी कई प्रस्तुतियाँ हैं जो हमारे विद्यार्थियों की हैं, मेरी खुद की हैं और भी हमारे साथियों की हैं, अलग अलग कलाकारों की हैं, मगर हमने एक नया चैनल अभी लगभग साल भर पहले ही शुरू किया ताकि हम वहाँ सिर्फ प्रस्तुतियाँ डालेंगे, ये ट्यूटोरियल्स के लिए, और वो प्रस्तुतियों के लिए चैनल हमने बनाया। सो आप उसे भी सब्सक्राइब करें, वहाँ जाके इन प्रस्तुतियों की पूरी वीडियोस देखिए, तो सब छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो प्रस्तुतियाँ देखें, सराहें। आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों की वजह से आज हम इतने लोगों तक पहुँचे हैं। 7.5 लाख हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम कुछ दे पा रहे हैं। एक मकाम हमने तैयार किया ताकि हमारे ही संगी साथी जो दूसरे विद्यार्थी भी हैं उनको भी ये प्लेटफॉर्म दिया जा सके अपनी प्रस्तुति करने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो आज उसी प्रदर्शन पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक अच्छा प्रदर्शनकर्ता और एक अच्छा सिंगर, या कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे खास करके सिंगर का एग्जांपल लेकर समझाऊँगा, लेकिन ये बातें हर प्रदर्शनकर्ता जो प्रस्तुत करता है उस पर अप्लाई होंगी, ठीक है। अभिनय कुछ वक्त मैंने सीखा था, हमारी उदयपुर की ही संस्थाएँ हैं कई, उनसे मैंने जुड़ा, एक संस्था है नाट्यांश, वहाँ मैंने अपने अभिनय की शुरुआत करी, वहाँ हमारे कई गुरु हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात समझाई थी कला को लेकर। खैर उन्होंने तो अभिनय को लेकर समझाई लेकिन वो बात कला पर लागू हुई। उन्होंने ये सवाल किया कि एक एक्टर क्या होता है या एक्टिंग क्या होती है। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिया, कोई बोले कि सर इमिटेशन होता है, कि किसी की कॉपी करना एक्टिंग होती है, किरदार निभाना एक्टिंग होती है, कहानी कहना एक्टिंग होती है, अलग अलग जवाब मिले, सबने अलग अलग जवाब दिए। लेकिन फिर अंत में जो हमारे अध्यापक थे उन्होंने हमें ये समझाया कि एक एक्टर दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान होता है, और ऐसा वैसा झूठा नहीं, ऐसा झूठा जो एक कन्विंसिंग झूठा हो, यानी ऐसा झूठ बोले कि पता ना चले कि झूठ बोल रहा है, यानी पर्दे पर जब वो अभिनेता रो रहा है तो हमें लग रहा है कि वाकई वो किरदार जो है वो रो ही रहा है, है ना, या वो हंस रहा है, या उसे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो हमें यकीन हो जाए कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है। कला का कर्तव्य संवेदना पैदा करना होता है। हाल ही में मैंने ये बात रियलाइज़ करी थी और लिखी थी कि कला का कर्तव्य, किसी भी कला का, जो बात उन्होंने एक अभिनेता के लिए बोली, एक अभिनय करने वाले के लिए बोली, ये मुझे लगा कि ये कला पर साबित होती है। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान उनका नाम है, वो पोएट्री भी करते हैं, संगीत से भी जुड़े हैं, कलाकार हैं, तो उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो अच्छे शायर होते हैं, जो अच्छे राइटर्स होते हैं, वो खुद की ज़िंदगी का सच लिखते हैं, बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, और जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी का सच भी बखूबी बहुत अच्छे से लिख देते हैं। यही एक कलाकार को करना होता है। हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हम अपनी कहानियाँ नहीं जीते, हम दूसरों की कहानियाँ जीते हैं, और मैंने हमेशा से यही माना है, सीखा है, जाना है कि कहानी हो किसी भी की, किसी की भी कहानी हो, जो सुना रहा होता है उस वक्त वो कहानी उसकी हो जाती है, उसकी बन जाती है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, तो मैं एक देशभक्त हूँ,
वहाँ मैं अपनी भारत माँ के लिए ये बात कह रहा हूँ। जब मैंने एक गीत गाया अभी कि शांति के दूत हैं हम, वो भी एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था, उसमें सोल्जर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि हम चाहें तो सब तहस नहस तबाह कर सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे देश में है, लेकिन फिर भी शांति के दूत हैं हम, है ना, वी मेंटेन पीस। तो वहाँ मैंने एक फौजी का किरदार निभा लिया गायक के रूप में। तो हम सब लोग अभिनेता होते हैं, हम सब जो कलाकार हैं, हम उस किरदार को, उस कहानी को जी रहे होते हैं, तब जाके बात बनती है। और ये सिर्फ गीत में नहीं, ये ख्याल में भी है कि हम जब वो राग बन जाते हैं, जब हम भैरव सुना रहे हैं, तब हम नहीं, हम स्वयं भैरव हैं, तब जाके वो राग जन्म लेती है, राग फलती फूलती है, वो राग खिलती है, जब हम वो किरदार बन जाते हैं। और जब आप किरदार बन रहे हैं, इसी पर मैं आगे और भी मैंने कुछ लिखा था कि कहानी सच्ची है या झूठी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दिलचस्प होनी चाहिए। यानी आप जो गीत गा रहे हैं, जब मैंने कुछ गज़लें गाई जो शराब के ऊपर थी, अब शराब का सेवन मैंने उसमें प्रमोट नहीं किया, लेकिन हाँ एक ख्याल मेरे पिताजी का, वो मैंने उसमें गाया कि एक अभी हाल ही में गाई थी कि गर शराब पियो तो बढ़िया पियो, न खराब पियो न घटिया पियो, ये एक ख्याल था उसके बारे में, उसी गज़ल में भी मैंने चर्चा करी, वो वहाँ जाके देखिएगा सुनिएगा। लेकिन जब मैंने वो गज़ल गाई तो कई लोगों को लगा कि अरे क्या आपने वो गज़ल शराब पी कर गाई थी, या क्या आप शराब पीते हैं। तब मैंने उनको कहा मैं एक कलाकार हूँ, मैं उस चीज़ का सेवन करता हूँ या नहीं करता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि मैं वो किरदार जी रहा हूँ वहाँ। जब मैं एक शराबी की बात कह रहा हूँ तो मुझे अभिनय करना पड़ेगा। तो जब मैं एक प्रस्तुत करता हूँ, एक प्रदर्शन करता हूँ, जब मैं एक परफॉर्मर हूँ, वहाँ मैंने वो किरदार धारण कर लिया है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी होती है अपनी प्रस्तुति करते वक्त, आप बहुत मार्मिक भजन गा रहे हैं लेकिन उसमें भाव नहीं आ रहे, सुरीलापन है लेकिन भाव नहीं आ रहा। भाव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ महसूस नहीं हुआ। जब आपने बोला, जब मेरे पिताजी का श्री कृष्ण भजन है अभी कि सुनी मैं हरी आवन की आवाज़, ये मीराबाई जी का लिखा हुआ भजन है, संत मीरा का लिखा ये भजन है कि सुनी मैं हरियावन की आवाज़। तो जब इस भजन को आप गाएंगे तो क्या वाकई आपको हरि की आवाज़ आनी सुनाई दी थी, क्या आपने वो आहट पहचान ली थी कि ये मेरे प्रभु, ये मेरे श्री कृष्ण हैं जो आ चुके हैं, या वो आ रहे हैं, है ना, या वो आहट, वो उनकी प्रेजेंस आपको महसूस हुई। अगर यहाँ होती है तो वहाँ होती है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि अगर एक कलाकार आनंद ले रहा है स्टेज पर बैठकर, तो प्रस्तुति देते वक्त ऑडियंस उसे जब सुन रही है तो ऑडियंस भी आनंदित हो रही है। और अगर हम ही इंजॉय नहीं कर रहे ऑन स्टेज या जिसके भी सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कभी भी मज़ा ले ही नहीं सकता, आनंदित हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम खुद ही आनंदित नहीं है तो सामने वाला कैसे होगा। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि कलाकार इस संसार का सबसे बड़ा कन्विंसिंग झूठा आदमी होता है, इंसान होता है, उसी पर आगे बिल्ड करते हैं। वो किरदार आप जी रहे हैं उस वक्त के लिए, हो सकता है आपके साथ वो कभी ना हुआ हो, जैसे मेरे साथ होता है कि मैं अगर कोई अच्छा, कई लोगों को लगता है कि जब मैं सैड रोमांटिक सॉन्ग गा रहा हूँ तो यार मेरा दिल टूटा होगा, लोग ये मुझसे पूछते हैं कि आपका तो ज़रूर दिल टूटा होगा, आपको किसी लड़की ने छोड़ा है। तो मैं, वैसे तो ठीक है ही, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, मेरा कभी किसी ने दिल नहीं तोड़ा, ना मेरे साथ ऐसा कोई बड़ा धोखा हुआ, लेकिन मैं उस किरदार को समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, हर किसी व्यक्ति के साथ होती है। मान लो किसी दोस्त से बिछड़ना हुआ, किसी काम में धोखा मिला हो, ऐसा कुछ कुछ निजी जीवन में सबके कुछ ना कुछ होता है। मैं क्या करता हूँ, अपने छोटे मोटे दर्द या छोटे मोटे उस इमोशन को बस एग्जैजरेट कर देता हूँ जब मैं उस प्रस्तुति को करने जा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे मैयत का एक गीत गाना है या किसी के देहांत का मुझे वो गीत गाना है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, तो मैं ऑब्जर्व करूँगा कि क्या मेरे आसपास मैंने होता देखा था, या किसी के साथ हुआ था, या मैंने कहीं पढ़ा देखा है। तो मैं ऑब्जर्वेशन करके आई ट्राई टू डील विद दैट इमोशन एंड देन आई एक्सप्रेस इट। जब मैंने विदाई के गीत गाए, अभी तक मेरी दोनों बहनें, उनकी शादी नहीं हुई है तो मैंने कभी कोई खासा विदाई अटेंड नहीं करी अपने परिवार की, लेकिन हाँ आसपास विदाइयाँ होते देखी हैं, फिल्मों में देखी हैं, पढ़ा है उनके बारे में, तो आई ऑब्जर्व्ड, सुना है, मंथन किया, चिंतन किया, बातें करी जिन लोगों के साथ हुआ, उनसे विचार लेने की कोशिश करी, ऑब्जर्वेशन किया। तो ऑब्जर्वेशन करके मैंने अंदर बिठाया और फिर मैंने वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। तो जब एक अच्छा प्रस्तुतकर्ता स्टेज पर होता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसमें होती है वो कॉन्फिडेंस होती है।
कितना ही अच्छा सिंगर हो, अगर उसमें अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो ऑडियंस को बांध नहीं पाएगा। ऑडियंस इंटरैक्शन ज़रूरी है, उन लोगों से बात करें, और बातें ज़रूरी नहीं है शब्दों से हों, बोल के हों, आँखों में आँखें डाल के बातें होती हैं। जब आप प्रस्तुति कर रहे हैं और आप अंदर ही अंदर करे जा रहे हैं, उनको देख ही नहीं रहे, कुंठित होकर ऐसे डरते डरते कर रहे हैं, तो फिर कैसे उनको मज़ा आएगा। आँखों में आँखें डाल के उनके जब बात की जाती है, नज़र किया जाता है वो शेर, वो बात उन लोगों को, वो भजन की वो पंक्ति उन लोगों को नज़र की जाती है, यानी ऑफ़र की जाती है कि ये प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकर आया हूँ, तो देखिए वो कैसे बांध लेते हो आप उनको अपनी आँखों अपनी गायकी से। ये मैंने सीखा है, मैं कोई बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ताउम्र सीखता रहूँगा। सुर की समझ मुझे शायद उतनी नहीं है, सुर मेरा सुरीलापन उतना शायद अभी नहीं है, लेकिन प्रस्तुति करना मुझे आता है कि कैसे मैं बांधूँ, सीख रहा हूँ, वो भी ऐसे नहीं कि परफेक्ट आता है, वो भी सीख रहा हूँ मैं। हमारे जो पिता गुरु हैं पंडित अवध किशोर पांडे, उन्होंने हमें ट्रेन इसी हिसाब से किया कि एक अच्छे परफॉर्मर बनो, सुर लय ताल तो आती रहेगी, ताउम्र आएगी, अंतिम उम्र तक, अंतिम मरते मरते भी तुम्हें सुर की एक नई समझ होगी, जब तुम्हें पता नहीं पड़ेगा अरे वाह इसमें ये गहराई भी है। लेकिन एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता, एक परफॉर्मर तुम हमेशा से बन सकते हो। तो ऑडियंस इंटरैक्शन, फिर आता है वर्सिटैलिटी। वर्सिटैलिटी होनी चाहिए, ऑडियंस का मूड पहचानिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो गज़ल सुनना चाहते हैं, वो भजन सुनना चाहते हैं, वो कव्वाली सुनना चाहते हैं, किस प्रकार का गीत सुनना चाहते हैं। तो आपके पास एक पिटारा होता है, एक बैंक होता है, वहाँ से आप चुनते हैं कि ओके गज़ल कौन सी वाली गज़ल, इस स्टाइल की उस स्टाइल की, किस टॉपिक की चाहिए, इस टॉपिक पर उस टॉपिक पर, भजन सुनना है किस चीज़ का भजन है, ऐसा भजन वैसा भजन, क्लासिकल सुनना है, लाइट सुनना है, क्या सुनना है, आपके पास एक पिटारा होता है, उसे वर्सिटैलिटी कहते हैं। उससे आप मोहते हैं सामने वाले को। आप एक अच्छे कलाकार नहीं है अगर आपको सिर्फ क्लासिकल आता है और सामने वाला तो वहाँ भजन सुनना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे, उन लोगों को क्लासिकल सुनाओगे? नहीं, एजुकेट नहीं कर सकते ना, हर बार एंटरटेन करने गए हो आप, उनको वहाँ एजुकेट करने नहीं गए हो, तो आपको भजन भी आने चाहिए। यानी हर महफिल के मुताबिक आपके पास माल होना चाहिए, वो सामान होना चाहिए कि क्या सुनाऊँ इनको। यहाँ वर्सेटैलिटी आ गई, सुर लय ताल की समझ होनी चाहिए, ऑफकोर्स वो तो है ही है, वरना आप बस अच्छा यूं ही तो गा रहे हो लेकिन उसमें ऑडियंस में कुछ समझदार लोग भी बैठे हैं, उनको तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो तो समझ जाएंगे कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो सुर लय ताल की समझ तो है नहीं, हर कुछ गा रहा है। शब्द और धुन याद हो तो कॉन्फिडेंस से गाओगे, वरना शब्द भूल रहे हो बार बार तो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, सामने वाला समझ जाएगा, और अगर भूलते भी हो तो कैसे उस कला को छुपाना है, उस फरेब को छुपाना है, वो भी आना चाहिए। फरेब इन द सेंस, वो एकदम नेगेटिव मत चले जाइएगा, फरेब की धोखा वोखा ही दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, वो गलती कैसे छुपाई जाए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक अच्छा कलाकार वो नहीं है जो गलती नहीं करता, एक अच्छा कलाकार वो है जिसकी गलती पकड़ में नहीं आती, वो एक अच्छा कलाकार है। उसकी गलती आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो ऐसे बच के निकल गया, वो चालबाज है थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ी सी वो टेक्निक भी आनी चाहिए कि कैसे घुमाना है बातों को, कैसे मैनिपुलेट कर देना, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि उसको मैनिपुलेट करके कुछ गलत आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अपनी गलती छुपाना आना चाहिए। लेकिन बट ऑफकोर्स वो गलती उन्हीं लोगों से छुपा सकते हैं जिनकी समझ आपसे कम होगी, जिनकी समझ आपसे ज़्यादा होगी उनकी, वो आपकी गलती यूँ पकड़ लेंगे, उनको पता चल जाएगा यहाँ इसने गलती छुपाने की कोशिश की, वो जो पर्दा डाला है आपने, वो पर्दा पारदर्शी हो जाता है ऐसे फनकारों के लिए, बड़े फनकारों के लिए, वो देख लेंगे आप पर्दे के पीछे आपने क्या छुपाया है, ठीक है। तो वो भी हो जाता है। ये कुछ कुछ बातें हैं, स्वर लय ताल की समझ है, वर्सिटैलिटी है, ऑडियंस इंटरैक्शन है, कॉन्फिडेंस है, शब्द आपको अच्छे से याद हों, भाव अनुसार गाना, जब आप भजन गा रहे हैं तो भक्ति भाव आपकी आवाज़ में नज़र आए, आवाज़ का लगाव, स्वर का लगाव आपका ऐसा ना हो कि वो सुन के भक्ति महसूस ना हो। जैसे हाल ही में मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, तब मैंने अपने गुरुओं से ये चर्चा भी करी, मैंने कहा कि सुरीलापन होना और भावपूर्ण गाने में फ़र्क होता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सत्य बात है, कई बहुत ज़्यादा सुरीले नहीं होंगे लेकिन इतना भावपूर्ण गाते हैं, और कई बहुत सुरीले हैं, बहुत सटीक सुर लगाते हैं, सटीक एकदम मधुरता के साथ, लेकिन भाव नहीं आता उनके गले में, लगता नहीं कि ये भक्ति की बात हो रही है या प्रेम की बात हो रही है या करुणा की बात हो रही है या घृणा की बात हो रही है, उनके गले में भाव नहीं आता। तो वो है कि भाव तो एक्चुअली में दिलो दिमाग में महसूस होता है, जब वो शब्दार्थ आपके अंदर बस जाते हैं, जब आप वो किरदार बन जाते हैं तब वो भाव होता है। जब आप मीराबाई का भजन गा रहे हैं तो आप कोई और व्यक्ति नहीं, आप स्वयं मीरा हैं। जब आप संत कबीर का भजन गा रहे हैं तब आप और कोई व्यक्ति नहीं, वही फ़कीर वही संत कबीर हैं। जब आप गुरबाणी की बाणियां पढ़ रहे हैं तो आप और कोई नहीं, वही गुरु हैं। तब जाके वो किरदार आपको बनना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, अभिनय करना पड़ता है, आप तब आपके वॉइस और आपके एक्सप्रेशंस वैसे हो जाते हैं। जब मैंने वो गाना गाया कि घर शराब पियो, तो मुझे देख के क्यों लोगों को लग गया कि मैंने शराब का सेवन किया होगा, जबकि कुछ नहीं किया था ऐसा और ना मैं करता हूँ, लेकिन वहाँ देख कर लगा लोगों को, क्यों लगा, मैंने किरदार निभाया,
जब शाहरुख खान साहब या अमिताभ बच्चन जी स्क्रीन पर रोते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि वो वाकई रो रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वो उस किरदार में ढल जाते हैं। बस यही आपको करना होता है। तो स्वर लय ताल तो ताउम्र आती रहेगी, लेकिन ये प्रस्तुति के जो की पॉइंट्स मैंने बताए ये आपको ढाल लेना है, और इसके लिए चिंतन मनन करना पड़ता है। जब भी आप उस गीत को गा रहे हैं तो उस गीत को पढ़ेंगे अच्छे से, सबसे पहले उसके फलसफे को समझेंगे, फिलॉसफी को, कि क्या सोच के ये गीत लिखा गया होगा, क्या किरदार है इसमें, क्या कहानी है इसमें, और क्या मुझे पात्र निभाना है और गाना है, क्या धुन की सोच है, म्यूज़िक डायरेक्टर से सोचना पड़ता है, म्यूज़िक डायरेक्टर की नज़र से सोचना पड़ता है। यही सारी बातें हैं जो एक सिंगर को दूसरे सिंगर से अलग बनाती हैं, वरना मुझसे सुरीले बहुत हैं लेकिन मेरे जैसे परफॉर्मर्स बहुत कम हैं। यानी किसी अच्छे परफॉर्मर, अब मैं, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा भरोसा है, मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। सिंगर में उतना शायद अच्छा ना हूँ, लेकिन मैं परफॉर्म करके सामने वाले को मोह ज़रूर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने ट्रेन किया है अपने आप को। वैसे आप लोग भी कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर डाले हैं, है ना। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, और मास्टर निषाद प्रोडक्शंस हैं हमारा चैनल, वहाँ तक पहुँचें और उस चैनल को भी आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो चैनल सिर्फ हमारा नहीं, आप लोगों का है, आप सिंगर्स का है, आप स्टूडेंट्स का है, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के भी गीत, गज़ल, भजन सब आ रहे हैं और आने वाले हैं। हम वो तैयार कर रहे हैं अपने ही शिष्यों के लिए, क्योंकि एक अच्छा सिंगर तो बन जाते हैं फिर आगे मकाम नहीं मिलता, तो हम मकाम भी आप ही लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। बस ये कुछ बातें थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया।